किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में नवेद शेख जी हाँ नींबू की बागवानी में जाना माना नाम आप सबको पता है कि अमेजिंग किसान पर जो लेख लिखे गए हैं उनमें अंत में ये लिखा हुआ होता है कि इसमें जो विचार हैं वो नवेद शेख के हैं और ये जब मुझे बताते हैं तो उन लेखों को मैं लिखता हूँ और फिर उनको ये करेक्शन करते हैं और तब मैं उनको पब्लिश करता हूँ किसान साथियों इसके साथ आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मैं बार बार कई बार आभार व्यक्त करता हूँ नवेद शेख बड़वानी मध्य प्रदेश आप सब इस नाम से परिचित हैं मेरी इनसे मुलाकात लगभग दो वर्ष पहले हुई थी जब मैंने व्हाट्सएप पर अमेजिंग किसान ग्रुप बनवाया था और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इनसे जल्दी से जल्दी मिलूं। जब मैंने कार्यक्रम बनाया तब कोविड ने थोड़ा रोक दिया और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जब मैं इस भारत यात्रा पर निकला हूँ पूरा महाराष्ट्र देखा है हमने कर्नाटक भी हम गए हैं और मध्य प्रदेश में अब हम आज आए हैं नवेद जी से मिलने के लिए नवेद जी ने इस तरह स्वागत किया जो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था और देखा था और बहुत बात हुई और दोपहर को मेरा बहुत पसंदीदा खाना इन्होंने खिलाया और अब मैंने इनके बाग का भ्रमण किया और उसको मैं अलग से आप लोगों को दिखाऊंगा तो मैं इनसे कुछ सवाल जवाब जवाब उस बात पर आधारित हैं कि जो अक्सर आप लोग मुझसे पूछ रह, पूछते रहते हैं वे सब मैंने इकट्ठे किए हैं और इनसे बैठकर कर ये बताया है कि हम आपसे इन बातों पर चर्चा करेंगे तो आइए मिलते हैं नवेद शेख जी से नवैद जी आप अमेजिंग किसान के दर्शकों को अपना थोड़ा परिचय दीजिए मेरे अमेजिंग किसान के दोस्तों और भाइयों मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूं जो मुझे आपने इतनी हौसला अफजाई दी और सबसे पहले मैं अपने पापा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया यहाँ तक और उसके बाद मैं त्यागी जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अमेजन किसान चैनल के थ्रू जो कि मैं त्यागी जी का बहुत बहुत आभार अच्छे लोगों की कितनी अच्छी पहचान है शायद मुझे इनकी वजह से बहुत नाम मिला है नवेद शेख जी की वजह से और यहाँ एक और नाम है मेरे गुरु जो हैं राजकुमार जैन जी इन दोनों की वजह से बहुत नाम मिला है ये मुझे प्यार करते हैं इज्जत करते हैं ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है आइए अब चर्चा शुरू करते हैं नवेद जी जो किसान हमारी ओर जो उत्तर भारत का एरिया है जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हरियाणा है और पंजाब है और ये थोड़ा राजस्थान में तो हो ही रहा है पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब और बिहार उधर नींबू की बागवानी का प्रचलन काफ़ी बड़ा है तो आप ये बताइए कि इसके लिए किस प्रकार की जमीन जब किसान सोचता है कि मुझे नींबू की बागवानी करनी है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर जी सबसे पहले मैं ये उत्तर भारत के किसानों से ये कहना चाहूँगा कि उनको जमीन की सॉइल टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी रहेगा क्योंकि पी मान इसमें सर जी बहुत मायने रखता है इसमें पी मान सिक्स से सेवन के बीच में होना बहुत जरूरी है और जलवायु जो दूसरी बात है जो मुख्य कारण है जो जलवायु जो रहता है जो उत्तर भारत में ठंड के दिनों में जो पाला पड़ता है जो जनवरी के महीने में भी पड़ता है और दिसंबर के लास्ट वी में पड़ता है जैसे मुझे पता है कि वहाँ पर ये पाला पड़ने की समस्या होने की वजह से नींबू की जो हस्त बाहर रहती है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है जिस कारण किसान को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है लेकिन अब ऐसा नहीं रहा अब क्या है कि त्यागी जी के अमेजिंग किसान के चैनल के थ्रू हम उस पर भी बहुत कार्य कर चुके हैं जो कि उस पर भी हमने सफलता हासिल की है जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त किए हैं और तीसरी बात ये रहती पानी पानी का जो टी रहता है वो भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती उसकी भी और पानी का जो सोर्स रहता है वो गर्मी के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें नींबू के पेड़ों में और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूँगा जो थोड़ी सी त्यागी जी मैं आपको आपसे बताना चाहूँगा जो किसानों को थोड़ा सा अजीब लगे कि ड्रिप इरिगेशन होना बहुत जरूरी है नींबू की बागवानी में शुरुआती मौसम के उसमें स्टार्टिंग पीरियड में क्योंकि जब नींबू का पौधा जब आप प्लांट करते हैं वो सवा साल का रहता है एक साल सवा साल का जो भी रहता है जिसको आप प्लांट करते हैं उसमें फ्लड पानी देना जिस कारण मोर्टेलिटी का परसेंटेज बढ़ जाता है क्योंकि नींबू की जो पानी की धारण क्षमता रहती है वो थोड़ी सी स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ी सी कम रहती है जिस कारण उसको थोड़ी सी मतलब उसके पास बस नमी पहुँचे जो ड्रीप इरिगेशन के थ्रू ही सक्सेस है और अगर ड्रीप इरिगेशन आपके पास नहीं है तो एक साल रुक जाए जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा त्यागी जी से भी ये चर्चा होती रहती है मेरी अच्छा नवेद जी चलिए किसी किसान ने ये निश्चय कर लिया कि मुझे नींबू की बागवानी करनी है लगानी है जी। अब उसके बाद आता है पौधे का चुनाव अभी तक हमने किसानों को जब हम वैज्ञानिकों से मिले हैं और उन्हें जो रिसर्च पेपर हैं जो अनुसंधान के प्रपत्र हैं उसके द्वारा हमने ये बताया कि बीजू पौधे अच्छे होते हैं इसके अलावा तीन प्रकार के और पौधे होते हैं एक जो हमारे गुट्टी से तैयार होते हैं दूसरे हमारे जो टिशू कल्चर से तैयार होते हैं और एक अभी मैं होके आया हूँ और मैंने वरुण में देखा है कि वहाँ पर बड ग्राफ्टिंग से भी पौधे तैयार हो रहे हैं आप इनके विषय में हमें बताइए और अपने अनुभव के आधार पर यह बताइए कि इनमें सबसे अच्छा पौधा कौन सा होता है सबसे मेन बात तो इसमें सर ये है कि बीजू पौधा ही इसमें लॉन्ग पीरियड के हिसाब से इसमें फल देगा और दूसरी बात यह है कि इसमें बीजू पौधे में बीमारी कम आएगी अभी तो शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम के हिसाब से अगर आप सोचो कि टिशू कल्चर के पौधे ले लो वो डेढ़ साल में फल दे देगा या गुटी के पौधे ले लो ग्राफ्टेड पौधे ले लो वो डेढ़ साल में फल दे देगा अठारह महीने में दे देगा दे दे। बहुत सारे नर्सरी वाले ये आपको बोलते आ रहे हैं और बहुत सारे वीडियो बनाते आ रहे हैं लेकिन जो ऑथेंटिक जो जानकारी जो हमारे त्यागी जी जो देते हैं अमेजिंग किसान चैनल पर वो बीजू पौधे के द्वारा ही मेरा जो अनुभव है वो शेयर हो रहा है कि बीजू पौधे ही इसमें सक्सेस है क्योंकि बीजू पौधे इस, इसमें बीमारी आने की कम चांसेस चांसेस रहते हैं जो इसमें बीजू पौधे ज़्यादा सक्सेस है अब सवाल आता है कि वो कितनी दूरी पर पौधे लगाए अभी कल मैंने अभी मैंने दो दिन पहले अमरावती में था डॉक्टर रोहित गनेरीवाल उन्होंने तेरह बाई दस पर चार वैरायटी लगा रखी थी प्रमालेनी थी साई शरबती थी और और भी दो वैरायटी थी और उनकी कटिंग देखकर इतने परेशान थे वो कि वो कहने लगे ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आप इसके बारे में क्या सलाह देना चाहोगे कि जब आप पौधे लगाने जा रहे हैं तो उसकी सही दूरी क्या होनी चाहिए पौधे की सर सबसे अच्छी सबसे दूरी जो मानी गई वो बीस बाई बीस है उसके बाद उससे और थोड़ा कम गा तो अठारह बाई अठारह है और थोड़ा हाई डेंसिटी अगर आपको लगाना थोड़ा हाई डेंसिटी सेमी हाई डेंसिटी बोल सकते हैं इसको पंद्रह बाई पंद्रह इससे कम नहीं लगा सकते इसको पंद्रह बाई पंद्रह से तो कम लगाना है और मेरा जो मानना है वो बीस बाई बी सबसे आदर्श दूरी है इसकी साथियों ये हो गई तीन बातें मुख्य बातें अब आपने पौधा भी लगा लिया उसके लिए आपको क्या सिंचाई व्यवस्था जैसे हमें करनी है कि जो किसान लगाना चाह रहे हैं उसको तो जैसा नवेद भाई आपने मुझे कई बार बताया है कि पहले डेढ़ साल उसकी बहुत देख रेख रखनी पड़ती है तो उसके लिए जो पानी का साधन है वो क्या होना चाहिए और किस प्रकार अधिक देखभाल करनी चाहिए सर इसमें पानी का साधन सबसे अच्छा साधन है ड्रीप इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन के थ्रू आपका जो पौधा है बिल्कुल बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और उसको क्षमता अनुसार आप पानी दे सकते हैं फ्लड पानी में ऐसा रहता है कि आपको कुछ आपके पास निर्धारित नहीं रहता है पानी कि कितना उसके पौधे तक जाना चाहिए और ड्रिप इरिगेशन में ऐसा रहता है कि जो चार लीटर पर आवर का ड्रिपर आता है एट लीटर पर आवर का ड्रिपर आता है तो उस हिसाब से आप एक घंटा दो घंटा उसको पानी दे दे और पर्टिकुलर उसके पास पौधे के तने के पास सिर्फ न, नमी पहुँचना चाहिए अक्सर त्यागी जी जिक्र करते आ रहे हैं कि पौधे के तन, तने के पास सिर्फ नमी पहुँचना चाहिए आप उसको फ्लड पानी देके एकदम भिगा दोगे उसको गीला कर दोगे तो उसमें बहुत सारी समस्याएं जड़ में उत्पन्न होती है और नींबू में मुख्यतः जड़ जड़ होने जड़ में बीमारी होती है इसमें मुख्यतः बीमारियाँ इसमें जड़ में ही होती है नवेद जी एक चीज़ और है मैंने देखा है कुछ कल मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक वैज्ञानिक ने राहोरी में ये बताया कि तने के पास पर आपको मिट्टी नहीं लगानी चाहिए नींबू के पेड़ जी मैंने छोटे पौधों में ही लगा दी अब जाकर मैं उसे हटाऊंगा आपका इस बारे में क्या अनुभव सर ये मेरा एक अपना पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि तने पर मिट्टी छोटे पौधों पर नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि छोटे पौधों पर चढ़ाने की वजह यह हो जाती है कि सर पानी उसकी जो जो जड़ क्षेत्र रहता है जो उसका रूट जोन रहता है वो छोटे पौधों का इतना डेवलप नहीं हो पाता और लेबर जाने अनजाने मिट्टी कभी कभी ज़्यादा भी चढ़ा देता है जिस कारण पौधा जो फीडिंग रूट्स रहती है वो इतनी डेवलप हो नहीं पाती और डेवलप नहीं होने की वजह से जो अपन पानी देते हैं मतलब ड्रीप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन से तो वो वहाँ तक उसकी पौधे की जड़ों तक पानी पहुँच नहीं पाता और जड़ भी उसको लेने में सक्षम कभी कभी नहीं हो पाती तो जिस कारण पौधे में मोर्टिलिटी बढ़ती अब आता है जो हमारे सबसे अधिक सवाल आते हैं किसानों नींबू की बीमारियाँ जी हाँ आपने हमारी कई वीडियो देखी होंगी लेख देखे होंगे लीफ माइनर कैंकर फाइटोपथोरा और थ्रिप्स। आप किसानों को ये बताइए कि इनमें कौन सी मुख्य बीमारी है और इनका ध्यान किस पर बीमारी के जो लक्षण रहते हैं जो प्राइमरी लेवल पे जो आते हैं उसके ये रहते हैं कि जो जैसे आपने पौधा प्लांट किया उसको सवा साल तक आपको डेढ़ साल तक मतलब अट्ठारह महीने पौधे की बहुत सारी आपको सुरक्षा उसको प्रदान करनी पड़ेगी प्राइमरी सिम्टम्स जो रहते हैं पौधे की जो पत्तियों पे दिखाई देंगे आपको लीफ माइनर के पौधे सबसे पहली बीमारी पौधे के ऊपर लीफ माइनर ही आएगी लीफ माइनर में ऐसा रहता है जो पत्तियाँ जो रहती है वो जो नरम पत्तियाँ जो बोल सकते हैं जो टॉप की जो ब्रांचेस रहती है उसकी जो पत्तियों के ऊपर लीफ माइनर एक आता है जो कीड़ा जो सुरंग बना के जो बिल्कुल चांदी जैसी सुरंग बनती है उसके ऊपर और उसके अंदर ही अंदर एक कीड़ा चलते रहता है तो वो उसको कहते हैं लीफ माइनर वो कीड़े बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं प्राइमरी अवस्था में नींबू के ऊपर जो नींबू की तितली की वजह से ये रोग फैला फैला हुआ है और दूसरी सबसे ज़्यादा समस्या आती है इसमें सिट्रस कैंकर की जो सिट्रस की फैमिली का जो मुख्य बीमारी है कैंकर इसमें जो जो रहता पत्तों के ऊपर धब्बे पड़ते हैं कारकनुमा जो एकदम ब्राउन कलर के आते हैं जो एकदम थोड़े से उभरे हुए रहते हैं ब्राउनिश रहते हैं जिसको आपको हाथ से छूने पर आपको अलग ही महसूस होंगे वो ये केंकर बोलते हैं सो जो ब्राउन कलर के आते हैं ये बहुत सारे वजह रहती है इसकी माइक्रोट भी वजह रहती है इसकी कल्टीवेटर निकलना वगैरह इससे बहुत सारे कारण केंकर का भी रहता है और तीसरी मुख्य बीमारी आती है इसमें थ्रिप्स जो एक मकड़ी होती है जो जो इसका जो रस चूस लेती है जिस कारण पौधा एकदम जो नए पत्ते रहते हैं और जो उसकी ब्रांचेस रहती है एकदम सूख जाती है जो डायबेक बीमारी का भी एक वो लक्षण रहता है और इसमें एक चौथी एक जो बीमारी फाइटोपथोरा जो जड़ से शुरू होती है जिसमें जो जड़ में बीमारी जो इसमें नींबू में, में जड़ की जो मैं पहले भी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया था मैंने कि फाइटोपथोरा जो जड़ से शुरू होने वाली बीमारी इसमें जड़ में जो कुछ घाव लग जाते हैं जाने अनजाने में किसान गिराई गुड़ाई करते हुए लेबर से कुछ घाव लग जाते हैं ट्रैक्टर कल्टिवेट करते हैं या जो uh, मतलब कुछ किसान uh, शुरुआती दौर में इंटर क्रॉप भी लेते हैं अपने बगीचे में उसमें कुछ लगता है तो फाइटोर बतोरा का जो जड़ में फंगस लगती है जिस कारण पौधा सूखना चालू रहता है पहले उसका जो सिम्टम्स रहता है वो पत्ते एकदम जैसे पीले पड़ते हैं उसके बाद पीले पड़ने के बाद ब्रांच पत्ते पूरे गिर जाते हैं उसके बाद ब्रांचेस सूखती है और ब्रांचेस सूखने के बाद धीरे धीरे पौधा एकदम मृत अवस्था में चले जाता है जो फाइटोर बतोरा का लक्षण है प्रत्येक किसान सबसे पहले मेरे से एक सवाल पूछता है क्या इसमें गर्मियों के में नींबू आएंगे क्या गर्मियों की फसल मिलेगी तो हमें आप नवेद जी बाहर मैनेजमेंट या बाहर के विषय में कुछ बताइए क्या होती है बाहर का नियोजन सितंबर के महीने में किया जाता है जो कि नींबू में जो बहुत मायने रखती है बाहर जिसका नियोजन सितंबर के माह से शुरू होता है पंद्रह सेप्टेम्बर के आसपास आप, आप इसको शुरू कर सकते हैं जो गुड़ाई से जो शुरुआत होती है इसका गुड़ाई कर स्टार्ट कर दीजिए गुड़ाई करने के बाद आप इसमें ताव देना रहता है बीस से बाईस दिन का इसमें ताव दे दीजिए आप जो ताव देने का मतलब होता है पानी बंद करना गुड़ाई करने का मुख्य कारण ये रहता है कि जो उसकी फीडिंग रूट्स रहती है जिसको जाले बोलते हैं वो जाले कट के बाहर निकालना जिस उसमें सिर्फ एक चीज़ का बहुत अच्छे से मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूँ जाले का मतलब ये होता है कि जो बारीक जो रेशेदार जो जड़ें रहती है जो बिल्कुल रेशे जैसी जो जड़ें आती है जो पौधे की केनोपी के ठीक नीचे रहती है वो जड़ों को ही काट के बाहर निकालना है है ना उसमें जो मोटी जो जड़ें रहती हैं उनको बाहर नहीं निकालना है सिर्फ बारीक रेशेदार जड़ों का, जड़ों का जो गुच्छा रहता है उसको ही काट के बाहर निकालना है और उसके बाद उसको आठ इंची ऐसी गहरी खोद के उसको छोड़ देना है पूरे राउंड बना के उसको छोड़ दीजिए आप और उसको बीस दिन तक आप पानी बिल्कुल मत दीजिए बिल्कुल ताव मतलब उसको ताव देना बोलते हैं पानी बंद करना मतलब ताव देना हमारे इधर की जो एमपी की भाषा में हम बोलते हैं उसको ताव देने के बाद उसको उसके बाद फिर आप उसमें खाद दे दीजिए बीस बाईस दिन जैसे ही आपके कम्प्लीट हो जाए और उसमें खाद देने के बाद जैसे खाद आपने गोबर खाद डी ए पी यूरिया जो भी एक सीमित मात्रा जो हमारे एक लेख में अभिजीन किसान पर दी हुई है उसकी एक सीमित मात्रा जो निर्धारित की गई है पौधे की उम्र के अनुसार उसको आप उसमें दीजिए और दूसरा उसके बाद उस पर मिट्टी डाल के उसके बाद फिर उस उसमें आपको फ्लड पानी देना है है ना एक बार फिर दोहरा था फ्लड पानी देना है क्योंकि फ्लड पानी से ही वो खाद प्रॉपर वे में गलेगा और फ्लड पानी देने के बाद उसमें आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और फ्लावरिंग जैसे शुरू होगी आपकी धीरे 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 बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी उसमें सिर्फ आपको एक हल्का जब फ्लावरिंग जब शुरू होगी फिर आपने सोच रहा है कि पानी में नहीं लगाओ लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा आपको पानी देना पड़ेगा और फ्लावरिंग ना गिरे उसके लिए भी हमने एक अमेजिन किसान पे एक वीडियो बनाया हुआ है त्यागी जी ने तो उसको आपको कुछ उसके जो प्रिकॉशन उसको अपनाना है जो फ्लावरिंग नहीं गिरेगी वो फूल फ्लावरिंग फल में कन्वर्ट होते जाएगी फ्रूटिंग में कन्वर्ट होते जाएगी और यही फ, फल आपको मार्च के महीने में मिलेंगे और यही मार्च के महीने में जो फल का जो भाव रहता है नींबू का बहुत उच, अपने जो उच्च स्तर पर जाता है मार्च से पूरे जून तक ये उच्च स्तर पर रहेगा इसमें पानी की आवश्यकता बहुत रहेगी आपको मार्च से इसमें आपको फ्लड इरिगेशन ही करना है जहाँ तक अच्छा अगर फ्लावर फ्रूटिंग लेनी है अच्छी क्वालिटी वाइज फ्रूटिंग लेनी है तो इसमें आपको फ्लड इरीगेशन पानी दीजिए और मार्च से जून तक आपको इसमें पानी की भरपूर व्यवस्था आपके अंबिया बहार के लिए आपकी जो तैयारी वो तो जो हस्तबार से जो है उसमें आपको ज़्यादा गुड़ाई वगैरह खुराने की जरूरत नहीं रहती सिर्फ आपको फेबरुअरी का जो महीना रहता है जो आपका फेबर के महीने में आपकी पंद्रह फेबर के आसपास मार्च से जो शुरुआत शुरुआत से जो गर्मी लगने से पहले पहले पंद्रह मार्च से मतलब कि पहले पहले मतलब जो फ्लावरिंग जितनी भी आना रहेगी वो अम्बे बहार की वो आ जाएगी आपकी पूरी उसमें आपके फल बनना भी शुरू हो जाएंगे यही जो आपका जो कंटिन्यूटी जो मार्च है हस्त हस्तबहार के लिए जो आप पानी दे रहे हैं वो अम्बे अम्बे बहार में भी आपके पानी काम में आ जाएगा और वो आप अब ये सोचेंगे कि फ्लावरिंग भी आ रही है पानी कैसे चला है फूल गिरेंगे ये गिरेंगे तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन करना पड़ेगा कुछ स्प्रे माइक्रोन्यूट्रेंट के जिसमें बोरान वगैरह जो आते हैं उनकी एक निश्चित मात्रा जो निर्धारित की गई की गई उम्र के अनुसार वो आप स्प्रे करेंगे आप उसको अपनाएंगे तो आपकी फ्लावरिंग नहीं गिरेगी और पानी भी आप इरिगेशन आपको देते रहना है जिस कारण आपकी हस्तभार भी चलती रहे और अम्बे भार की भी तैयारी होते रहे और अम्बे भार के लिए आपको क्या है कि आपका जो फल है वो जून मतलब जून का जो मानसून का जो पंद्रह जून को जो अब सभी दूर जो कृषि वैज्ञानिकों ने दिया हुआ है जो एग्रोनॉमिस्टों ने दिया हुआ है कि पंद्रह जून के आसपास मानसून आ जाता है उसमें आपको जैसे ही आपका जो मानसून का जो जैसे पहला पेला पानी पड़ेगा उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें आपके कैंकर की समस्या आएगी तो उसमें आपको काप बोर्डो मिक्सचर वगैरह का और कापर ऑक्सीक्लोराइड के का स्प्रे करना पड़ेंगे जो कि आपकी अम्बे बहार को सुरक्षित रखेगा और आपके अम्बे बाहर आपको जून के महीने में बहुत जल्दी बढ़ेगी क्योंकि ऊपर का पानी जो बोल सकते हैं कि जो कुदरती पानी कुदरती होता है जो काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलेगा वो आपके अम्बे बाहर आपको जुलाई अगस्त में आपको मेच्योर हो जाएंगे फल और जुलाई में आपको पौधे से अम्बे बाहर के फल प्राप्त हो जाएंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी तीन बहारें हैं अभी एक मृग बच गई तो एक बाहर से हमें लगभग तीन से चार महीने फल हैं हाँ तो इसलिए हम इसे शायद बारहमासी नींबू कहते हैं इस, इसलिए इसका इसलिये सर नाम टेक्निकल नाम बारा मासी नहीं है सर इसका इसको बारह अपना मतलब एक फूल तो, फूल आते आते रहते रहते, 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 कंटिन्यूटी बनी रहती बारह महीने प्लांट पे फल फूल हर साइज का मिल जाएगा तो इसलिए बारह मासी लेकिन एक्चुअल वेराइटी सर कागजी ही वेरायटी है कागजी नींबू कागजी नींबू की कागजी नींबू बोलते हैं और इसे अंग्रेजी में वो कहते हैं कि इसको आप जो है ना वो फ्लड पानी के लिए रेज बेड के ऊपर जैसे अगर बड़ा झाड़ है उसके दो बीच में? में अगर आप उसके लाइने हैं वहाँ पर आप उसको फ्लड पानी चला सकते हो अच्छा रेज बेड का पानी तो आपको फ्लड पानी देना ही पड़ेगा आपको गर्मी के मार्च से जून तक का फ्लड पानी आपको देना है नींबू के उसमें पानी की बहुत आवश्यक सवाल मुझसे पूछते हैं जैसा वैसे तो अभी आपने बताया है कि जैसे हमारी हस्त बार का हमने कर दी उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई कुछ मटर के दाने के बराबर फल भी बन गए कुछ उससे बड़े हो गए लेकिन फिर भी फ्लावर आ रहे हैं अब किसान ये पूछता है कि ताव देने के बाद जब हम फ्लड से पानी देते हैं तीन बार बताया था आपने जो लेक में कि पाँच पाँच दिन के अंदर बाद तीन बार फ्लड से पानी देते हैं उसके लगभग बीस दिन बाद फ्लावरिंग शुरू होती है जब फ्लावरिंग शुरू होती है और फल बनने शुरू होते हैं तो कुछ लोगों की शिकायत है कि मेरे फूल गिरने लगते हैं और अगर छोटे फल हो गए तो वो भी गिरने लगते हैं और तीसरी बात वो ये पूछते हैं कि इसमें पानी हमें कब शुरू करना चाहिए जिससे हमारे फूल भी ना गिरे फलों को भी नुकसान न हो और हमें पानी कब देना चाहिए तीन बातें अच्छा सर सर पहला सवाल जो आपका था कि जो छोटे फल जो गिरते हैं पीले होकर गिरते होंगे ना सर वो हाँ। तो वो सवा उसका सर जवाब ये है कि जैसे जो पानी देने की जो व्यवस्था है वो आपको एक हल्का हल्का पानी लगाना फ्लड इरीगेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पूरा पानी उसमें छोड़ना है थोड़ा हल्का हल्का पानी लगाए जिससे उसको वे... और उसको फल नहीं गिरे उसके लिए एक व्यवस्था रहती जो कुछ बोरान है जीरो बाउंड चौंतीस से कुछ एनपीके पी हैं और कुछ एसिड्स है जिनके टाइमली एक स्प्रे करना रहते हैं जिस कारण जो फल पीले होके गिरेंगे नहीं और माइक्रोन्यूट्रेंट की इसकी इसमें बहुत सारा योगदान है माइक्रोन्यूट्रेंट की बहुत सारे इसमें ज़रूरत पड़ती है जैसे जिंक है बोरान है कैल्शियम नाइट्रेट है ये सब की एक निश्चित मात्रा निर्धारित है उसको आप टाइमली आप स्प्रे के माध्यम से या जड़ के माध्यम से जैसे भी आप सूटेबल हो आपको वैसा दे सके उसको आप दे तो ये समस्या जितने नहीं। फूल पौधे पर आते हैं क्या सभी फल में कन्वर्ट होते हैं या या कुछ परसेंट प्राकृतिक रूप से है है वो जो जो गिरता है या कोई हमारे मैनेजमेंट हम कर रहे हैं उसमें उसमें कहीं कमी नहीं सर जैसे मैनेजमेंट की कमी की वजह से भी थोड़ा सा इसके मुख्य तो बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कुछ कारण ऐसा भी रहता है कि इंसान कुछ गलतियाँ हो जाती है जैसे कुछ जानवर वगैरह रहते हैं खेत में वो कुछ उससे लग जाते हैं या कुछ अगर कोई इंटर क्रॉप ले रहा है तो उसमें कुछ ट्रैक्टर वगैरह रहता है जैसे कुछ लोग इंटर क्रॉप लेते पावर टीलर चला देते हैं तो उस वजह से भी कुछ फुल ड्रॉप होते हैं हंड्रेड परसेंट तो सर फुल नहीं आएंगे कुछ बहुत सारे इसकी वजह रहती जो गिर जाते हैं हाँ हवाएँ भी चलती है पानी का भी थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा चक्कर हो जाता है तो ये होता है हंड्रेड रिजल्ट तो सर किसी में भी नहीं आ पाए शुरू हो गए और फूल शुरू होने के बाद में जैसा हमारी वेबसाइट पर लेख में भी लिखा है जैसे मटर के दाने के बराबर बनते हैं आपको पानी शुरू कर देना चाहिए और ये पानी आपको ड्रिप के माध्यम से करना चाहिए और अगर फ्लड है तो बहुत हल्का पानी देना है और कैनोपी के बाहर देना है आपको पानी तब पहुँचे इन बातों का आपको भाइयों अगर आपके पास साई सरबती प्रमालिनी और एन आर सी सी सेवन और एट नहीं है तो देसी कागजी नींबू भी कोई ख़राब वैरायटी नहीं है बहुत अच्छी वैरायटी है और इसका आपको ये देखना है कि जिस पेड़ पर आप देख रहे हैं उसका छिलका बहुत पतला होता अच्छा है अच्छा रसदार है जैसा नावेद जी का पूरा बाग देसी कागजी नींबू का है ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि कहीं इसके नाम पर आपको मोटा नींबू या जो सत्तर अस्सी ग्राम का नींबू है या कोई आपको लेमन तो नहीं देगा <coughs> और जो पौधे हैं उसके वो अच्छे हैं उसका कहीं बाग देख लें नर्सरी वाले सब खराब नहीं होते बहुत अच्छी नर्सरी वाले मुझे पता चला है गुजरात में भी हैं आप उसे भी लगा सकते हैं किसान साथियों ये था हमारा एक प्रयास नावेद जी के साथ और आज आपको मुझे इतनी खुशी हो रही है इनके फार्म पर आकर अभी तो मैं कल फिर आऊँगा और एक और विषय पर इनसे वार्ता करूँगा और आपको वीडियो दिखाऊँगा तब तक के लिए विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय भारत